हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज हम लोग गुरु नीति का पार्ट 14 आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें हम लोग इलिप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में स्टूडेंट हम लोगों को ये कह रखा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें ए बी फिक्स्ड है लेंथ में भी और पोजिशन में भी, और वर्टेक्स सी जो है वो एक फिक्स स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है। देन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी मूव्स ऑन। इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ थ्री मीडियंस का मतलब हुआ ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रोइड, यानी हम लोगों को ट्रायंगल एबीसी का सेंट्रोइड का लोकस पता करना है कि वो कौन सा कर्व हमारे पास होगा, और हम लोगों को ए बी फिक्स दे रखा है लेंथ में भी और पोजिशन में भी। तो लेट अस से स्टूडेंट कि ये हमारे पास में ट्रायंगल एबीसी है। अब देखिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहीं भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हम ए को ओरिजिन सपोज करके स्टार्ट कर लेते हैं और ए बी को मैं एक्स एक्सिस सपोज कर लेता हूं। नाउ स्टूडेंट हम लोगों को ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी पोजिशन और लेंथ दोनों में फिक्स्ड है, तो ए बी की लेंथ भी फिक्स्ड है। तो मैं ए बी की लेंथ को सपोज कर लेता हूँ। मान लीजिए कि ए बी की लेंथ ए है और इस ए बी को मैंने एक्स एक्सिस मान रखा है, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैंने 0 सपोज कर लिया। A is fixed. Now, जो पॉइंट सी है स्टूडेंट ये किसी फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है। तो लेट अस से कि पॉइंट सी जो है वो हमारे पास में y इक्वल टू एम एक्स प्लस म्यू इस लाइन पे मूव करता है। मैंने यहां पर म्यू लिया है क्योंकि सी लिखने पर कोई कंफ्यूजन हो सकता था। n एंड म्यू बोथ आर फिक्स्ड क्योंकि पॉइंट सी इस फिक्स्ड लाइन पे मूव करता है। अब इस बेसिस पर स्टूडेंट सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं सपोज कर रहा हूं, इसके एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने लैम्डा और वाई कोऑर्डिनेट को माना एम इनटू लैम्डा प्लस म्यू। अब इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड आने वाला है स्टूडेंट हम लोगों के पास में वो होगा 0 प्लस ए प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई 3, दैट इज ए प्लस लैम्डा बाई 3, 0 प्लस 0 प्लस एम लैम्डा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 3। हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है। आप जानते हैं जिस पॉइंट का लोकस हमें निकालना होता है हम उसके कोऑर्डिनेट्स को एक्स और वाई से रिप्लेस करते हैं। तो मैं इसको एक्स लिखूंगा और इसको वाई लिखूंगा। तो देखिए यहां से हम लोगों को इक्वेशन मिली कि ए प्लस लैम्डा इक्वल टू 3x, और दूसरी इक्वेशन मिली एम लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स टू 3y। अब देखिए मुझे यहां पर लैम्डा को इलिमिनेट करना है क्योंकि पूरी इक्वेशन में पैरामीटर का काम लैम्डा ही कर रहा है। तो यहां से हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे 3x माइनस ए, और उसे मैं यहां इस इक्वेशन में रख रहा हूं। तो m इंटू 3x माइनस ए प्लस म्यू इक्वल्स टू 3y, ये इक्वेशन हम लोगों को मिल रही है। यहां पर स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है म्यू m a ये सब क्वांटिटीज फिक्स्ड है। तो ये हमारे पास में स्टूडेंट एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, x और y में एक लीनियर इक्वेशन है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद देखो कुछ सेकंड क्या है। इफ द वेरिएबल लाइन y इक्वल टू kx प्लस 2h इज टेंजेंट टू द इलिप्स दिस पार्ट, देन लोकस ऑफ ph कोमा k इज ए कोनिक सेक्शन c व्हिच इसेंट्रिसिटी इक्वल टू, क्या बोला गया है? ये वेरिएबल लाइन आपकी इस इलिप्स को क्या करती है? टच करती है। तो कोई भी लाइन अगर इलिप्स को टच करती है तो देन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो इधर आओ, ये जो लाइन है इससे आपको c की वैल्यू तो क्या मिली 2h, और k इसका होगा बेटा स्लोप, और a और b की वैल्यू के लिए क्या करो इसको इलिप्स में 6 को डिवाइड करो। तो 6 से जब डिवाइड करोगे तो आ गया x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो आप इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू पुट करो और c की वैल्यू पुट करोगे 2h, तो ये आ गया 4h स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इज 3 और m इज k, तो ये आ गया 3k स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब आपको h कोमा k का क्या चाहिए लोकस, तो h को x रिप्लेस कर दो और k को y से, तो ये आ गया बेटा 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 2। तो ढंग से देखो इसको अपन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 1 में क्या कर सकते हैं कन्वर्ट। तो देन आप क्या करोगे 4 इंटू 3 है तो 2 से डिवाइड करो तो आ गया बच्चों x स्क्वायर अपॉन 1 बाई 2, क्योंकि 2 है तो उसको 1 बाई 2 ले सकते हैं, माइनस y स्क्वायर अपॉन 3 बाई 2 को ले सकते हो आप 2 बाई 3 इक्वल टू 1। तो ये बेटा एक आपकी हाइपरबोलिक इक्वेशन है, हाइपरबोला की
तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या लगते हैं, e इक्वल टू, इसने पूछी इसेंट्रिसिटी ऑफ दी कोनिक सेक्शन, तो 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर जाएगा बेटा b स्क्वायर इज 2 बाई 3 और दिस इज 1 बाई 2, तो ये आ गया 4 बाई 3, तो देन इसेंट्रिसिटी इज रूट 7 अपॉन 3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। रूट 7.1 से एक एलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 15 पर हम लोगों ने टेंजेंट्स खींची है, टेंजेंट्स के बीच का एंगल हमको दिया गया, पूछा गया। स्टूडेंट अगर मैं इस एलिप्स की इक्वेशन को 15 से डिवाइड करके रीअरेंज करके लिखूं तो x स्क्वायर बाई 5 प्लस y स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट अगर मैं आपसे इस एलिप्स के डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन पूछूं तो वो होगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज a। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये पॉइंट इस इक्वेशन को, इस सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज ये पॉइंट इस इलिप्स के डायरेक्टर सर्किल पर है, और डायरेक्टर सर्किल से अगर हम कर्व पर टेंजेंट खींचते हैं तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इफ दी कर्व्स आपको 2 सेकंड डिग्री की कर्व गिवन है, इंटरसेक्ट एट 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, then the value of a। तो देखो ये लेट कर्व है आपका s1 और सेकेंड कर्व है लेट s2, ये टू कोनिक सेक्शन है, तो टू कोनिक सेक्शन कुछ भी हो सकते हैं, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, अप टू सोन, और ये टू कोनिक सेक्शन आपके लेट 4 पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट, और ये 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक, तो 4 पॉइंट्स अगर क्या हो कॉन्साइक्लिक, तो इससे अपने एक पास करा सकते हैं बेटा सर्किल। तो टू कर्व गिवन है आपको s1 s2, तो आप कोनिक फैमिली ऑफ कोनिक सेक्शन की इक्वेशन क्या लिख सकते हो, s1 प्लस लैम्डा s2 इक्वल टू 0, आप s1 और s2 की वैल्यू पुट करो तो ये कोनिक सेक्शन, फैमिली ऑफ कोनिक सेक्शन की इक्वेशन है, और दिस फैमिली ऑफ कोनिक सेक्शन रिप्रेजेंट दी सर्किल, क्योंकि कोई भी कोनिक सेक्शन अगर 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट से पास होगा तो वो रिप्रेजेंट करता है बेटा सर्किल को, तो दिस इक्वेशन बिकम सर्किल, तो देन कंडीशन यूज करोगे आप कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, तो आप इसमें s1 s2 की वैल्यू पुट करो और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को जब y स्क्वायर के कोफिशिएंट से कंपेयर करोगे तो इससे आपको मिलेगा a प्लस लैम्डा a इक्वल टू 2 प्लस 5 लैम्डा, और सेकंड कंडीशन क्या होगी कि xy का जो कोफिशिएंट है वो होना चाहिए 0, तो जब आप कोफिशिएंट ऑफ xy 0 करोगे तो उससे बेटा आपको मिलेगी लैम्डा की वैल्यू, ठीक है, उस लैम्डा की वैल्यू को आप पुट कर देना दिस रिलेशन में तो आपको वैल्यू मिल जाएगी बेटा a की, तो उसको जब कैलकुलेट करोगे तो a आएगा बेटा इससे माइनस के को, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में स्टूडेंट हम लोगों से ये कहा है कि ये एक एलिप्स है और लेंथ ऑफ द नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ दिस एलिप्स इज व्हिच इज टर्मिनेटेड बाय द मेजर एक्सिस, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि हम लोगों ने इलिप्स के किसी पॉइंट पर नॉर्मल खींची है और उसके दूसरे एंड पॉइंट को मेजर एक्सिस पर अगर हम सपोज करें तो वो जो हमारे पास में नॉर्मल बनेगी उसकी लेंथ हमारे पास में क्या होगी। यहाँ पर सर यहाँ ये जो ऑप्शंस हैं इसमें एक एरर है, यहाँ पर सब जगह पर ई जो है यानी कि इलिप्स की इसेंट्रिसिटी वो मल्टीप्लीकेशन में लिखी हुई है, उसको आप करेक्ट करके और फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए सर हम लोग क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, और ये भी दिया गया है कि आर और आर वन जो है वो उस पॉइंट की फोकल डिस्टेंसेज है, मतलब दोनों फोकस से डिस्टेंसेज है। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इलिप्स पर हम लोग एक पॉइंट सपोज कर लेंगे, इलिप्स पर हम लोग एक पॉइंट सपोज कर लेंगे, लेट अस कॉल इट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, और इस पॉइंट से हम लोग जो नॉर्मल खींच रहे हैं उसकी इक्वेशन लिख देते हैं ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास में स्टूडेंट इस पी पॉइंट पर खींचे गए नॉर्मल की इक्वेशन है। नाउ ये हमको क्यू पॉइंट निकालना है तो इसमें हम लोग वाई को रख देंगे जीरो, क्योंकि मेजर एक्सिस पर है क्यू, तो वाई को जीरो रखा तो एक्स देखिए यहां से हम लोगों को मिलेगा, इसको स्टूडेंट हम लोग ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सेक थीटा, दैट इज ए ई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो ये जो क्यू पॉइंट है स्टूडेंट इसके कोऑर्डिनेट आ गए ए स्क्वायर कॉस थीटा कॉमा जीरो। अब स्टूडेंट इस नॉर्मल की लेंथ हमें निकालनी थी तो पी क्यू की लेंथ हमें निकालनी है, सिंपल हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हो जाएगा देखिए ए कॉस थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर,
दैट इज ए कॉस थीटा हमने कॉमन लिया इसमें से और वन माइनस ई स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इस पूरे का स्क्वायर। अब हम लोगों को जो आंसर चाहिए वो r और r1 की टर्म्स में चाहिए, तो पहले हम उसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए r और r1 का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर हमारे पास में डायरेक्ट्रिक्स, एक हमारे पास में डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू a अपॉन e और यहाँ पर x इक्वल टू माइनस a अपॉन e। तो अगर हम लोगों को किसी भी पॉइंट जो कि कोनिक पर स्थित है उसकी फोकस से डिस्टेंस सही होती है तो हम फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, हम उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालकर उसे इसेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो r होगा स्टूडेंट इस पॉइंट की इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इसेंट्रिसिटी, तो दैट इज e इनटू a अपॉन e माइनस a cos थीटा। ये हमारे पास में हो जाएगा स्टूडेंट्स e इनटू a, हम लोग कॉमन ले लेंगे यहां से और नीचे की तरफ हमारे पास में एक अच्छा e हम लोगों को ये हमारे पास में है स्टूडेंट a cos थीटा माइनस, एक मिनट के लिए थोड़ी कैलकुलेशन को हम लोग सही कर लेते हैं, यहां पर r होगा स्टूडेंट हम लोगों के पास में इस पॉइंट की फोकस इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इसेंट्रिसिटी, दैट इज a cos थीटा माइनस a अपॉन e इनटू e और इसका मॉडुलस। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हम लोगों के पास में अल्टीमेटली, देखिए a हमने कॉमन लिया, e हमने एलसीएम लिया, e cos थीटा माइनस 1 इनटू e, e और e कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा हमारे पास में a इनटू 1 माइनस e cos थीटा, क्योंकि e cos थीटा की वैल्यू 1 से छोटी है। बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट अगर आप r1 निकालेंगे तो वो x इक्वल टू माइनस a अपॉन e से आपकी डिस्टेंस होगी, तो यहां पर बस हमारे पास में एक प्लस आएगा, तो इट विल बी a इनटू 1 प्लस e cos थीटा। अब यदि मैं स्टूडेंट r इनटू r1 कैलकुलेट करूं तो देखिए वो हमको मिलेगा a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा। इसको हम यहीं पर रहने देते हैं, पहले हम इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट ये जो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है इंटू वन माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस बी स्क्वायर को लिख देते हैं ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको भी हम लोग लिख देते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इस पूरे का स्क्वायर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहां पर स्टूडेंट ए स्क्वायर देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है उसको आप कॉमन लेंगे, वन माइनस ई स्क्वायर आपको दोनों जगह पे कॉमन दिख रहा है आप उसे कॉमन लेंगे, और उसके बाद में स्टूडेंट जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो जैसे ही हम लोग उसको सिंप्लीफाई करेंगे ये एक्सप्रेशन हमें इस टर्म्स में मिलने लगेगा, तो हम उसको r into r1 की टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे, और ऐसा करने के बाद सर पिछला पेज बंद रहेगा सर, जब आप इसको पूरे को सिंप्लीफाई कर लेंगे कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर एक हमारे पास में e upon a, यहाँ पर एक जैसा मैंने कहा था एक e भी आपको मिलेगा, तो ये आपको कन्वर्ट होके मिल जाएगा। Yes. ठीक है सर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स वी 5/8, आपको एलिप्स की इसेंट्रिसिटी गिवन है 5/8 एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फुका है वी 10, मतलब दोनों फुकाए के बीच की डिस्टेंस गिवन है 2AE = 10, देन आपको लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ को फाइंड आउट करना है। देखें e गिवन है आपको 5/8 और डिस्टेंस बिटवीन फुकाए 2AE गिवन है आपको 10, तो इसमें जब आप e की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ गया 2a into 5/8 = 10, तो 5 से 10 कैंसिल तो a इक्वल टू आ गया 8। उसके बाद आपको चीज में lr की लेंथ, तो lr की लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा 2b² / a। अब 2b² में आपको a गिवन है, b के लिए क्या करो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला e स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो अपन इसमें e और a की वैल्यू को पुट करते हैं, तो e की वैल्यू पुट की तो आ गया 25/64 = 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 64, क्योंकि a की वैल्यू 8 है, जब 64 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 25 = 64 - b² देन b² = 64 - 25, तो फाइनली इससे बी स्क्वायर मिल गया आपको 9/39। ठीक है, तो बी स्क्वायर आपका 39 है, तो बी आ गया √39। एक बात सुनो, ए और बी में आपका ए ग्रेटर है बी से, तो देन एलआर का फॉर्मूला जो आप लिखोगे वो क्या होगा 2b² / a, और बाय चांस अगर ए लेस देन बी होगा तो आप लिखोगे 2a² / b, तो इसके अकॉर्डिंग आप 2 × b² की वैल्यू पुट करोगे 39/a = 8, तो सॉल्व करने पे आ गया
13n/4 फर्स्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमको ये कहा है कि एक इलिप्स है जिसकी दोनों फोकस दे रखे हैं और ओरिजिन उस इलिप्स पर लाई करता है, ऐसा हमें कह रखा है। नाउ वी हैव टू फाइंड इसेंट्रिसिटी। ओके, सो हम इसके लिए व्हाट आर आइडिया इज, वी आर गोइंग टू यूज ए प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द इलिप्स फ्रॉम द फ्रॉम बोथ द फोकस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। दिस इज सिंपल ए प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट देखिए, ओरिजन की मैं 3.3 से डिस्टेंस निकालूंगा तो वो होगी 9+9 का स्क्वायर रूट, दैट इज रूट ओवर 18। ओरिजन की अगर मैं -4.4 से डिस्टेंस निकालूंगा दैट विल बी 16+16 32 का स्क्वायर रूट, एंड दिस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ, ये हमारे पास में स्टूडेंट किसी भी पॉइंट की दोनों फोकस से डिस्टेंस का जो सम है वो हमारे पास में इक्वल होता है 2a के बराबर। ठीक है, तो 2a यानी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के ये बराबर होता है, तो यहां से 2a की वैल्यू हमारे पास आ गई। दूसरे इसको इसको हम सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये 9 × 2 तो ये 3√2, ये 16 × 2 तो ये 4√2, तो यहां से स्टूडेंट हम लोगों को 2a की वैल्यू मिलती है 7√2। नेक्स्ट थिंग इज कि दोनों फोकस जो होते हैं स्टूडेंट उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2ae, तो वो अगर हम कैलकुलेट करें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो 3+4 7 का स्क्वायर 49 +3 − 4 1 का स्क्वायर 1 इसका स्क्वायर। 2a की वैल्यू को मैं यहां पे रख दूंगा 7√2 * इसेंट्रिसिटी रूट ओवर 50 दैट इज 5√2, तो ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी आ गई यहां से 5/7 दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए टेंजेंट हैविंग स्लोप ऑफ -4/3 टू द एलिप्स दिस पार्ट इंटरसेक्ट द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इन पॉइंट ए एंड बी, इफ सी इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स देन एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये लेट आपको एक एलिप्स गिवन है और इस एलिप्स पे किसी भी पॉइंट पे लेट, ये पॉइंट है आपका पी, इस पॉइंट पे आपने ड्रॉ की बेटा टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्लोप गिवन है लेट m इक्वल टू -k/4/3। तो देन आपसे बोला गया है कि जब टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट का मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस पार्ट और इस एलिप्स का जो सेंटर है 0 0, उससे जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया आपको करना है कैलकुलेट, मतलब डेल्टा OAB आपको करना फाइंड आउट। और देखो ये डेल्टा OAB के एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस डेल्टा OAB का जो एरिया है वो क्या होगा, हाफ बेस OA और हाइट ऑफ OB। तो देन आपको OA और OB की वैल्यू के लिए क्या करना है, पहले आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, उस टेंजेंट में अगर आप y को 0 पुट करोगे तो पॉइंट A मिलेगा आपको, और पॉइंट A आने के बाद ये जो लेंथ है वो क्या होगी, इसका x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली B पॉइंट के लिए x को 0 पुट करो तो जो y कोऑर्डिनेट है वो आपका होगा OB की लेंथ। तो देखो आपको स्लोप गिवन है -4/3, तो देन इक्वेशन इज y इक्वल टू -4/3 y इक्वल टू mx+c, और ये लाइन अगर इस सर्कल को टच करती है तो देन वी कैन यूज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो क्या आ जाएगा c² = a² m² + b²। तो इसमें a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 18 * m² इज 16/9 + b² इज 32, तो ये 2 से कैंसिल, तो 32 64 आ गया, तो c² 64, देन c = मिला आपको 8। तो c को जब 8 पुट करोगे तो इक्वेशन क्या होगी बोलो, 3y = -4x + 24। तो देखो जब आप y को 0 पुट करोगे तो x आ गया 6, मतलब ये पॉइंट आ गया 6, 0, और जब x को 0 पुट करोगे तो बेटा इससे y आ गया 8, मतलब ये पॉइंट आ गया 0, 8। तो ये लेंथ आपकी 6 है, ये लेंथ 8 है, तो जब इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो डेल्टा ओए भी आ गया हाफ बेस 6 और हाइट इज 8, तो सॉल्व करने पे जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट, तो इसका सेकंड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस एलिप्स पर द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंक्लूडेड बिटवीन, दैट इज इस एलिप्स पर स्टूडेंट हम लोगों ने एक टेंजेंट खींची है, वो एक्स और वाई एक्सिस को अगर पॉइंट्स ए और बी पर कट करती है, तो वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी। ओके,
तो पहले तो हम लोगों ने स्टूडेंट इलिप्स की इक्वेशन, जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन को सपोज किया, ए देखिए 4 है, बी 3 है, तो टेंजेंट की इक्वेशन को सपोज किया x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बार। नाउ ये मान लेते हैं x एक्सिस को कट करती है ए पर, y 0 रखा, x आ गया 4 अपॉन कॉस थीटा यानी 4 sec थीटा कॉमा 0, और मान लेते हैं कि ये y एक्सिस को कट करती है बी पर, तो x को 0 रखा, y आया 0.3 cos थीटा। Now we have to find locus of middle point of AB. तो AB के middle point को निकालेंगे, तो 4 sec theta plus 0 upon 2, 2 sec theta, 0 plus 3 cos theta divide by 2, 3 by 2 cos theta. इस point का locus हमें निकालना है। हम जानते हैं जिस point का locus हम निकालते हैं, उसको हम लोग x और y से replace करते हैं। So 2 sec theta equals to x. इसको लिख सकते हैं student हम लोग कि cos theta, ठीक है, यहाँ से sec theta है x upon 2, तो cos theta हो गया 2 by x, और ऐसे ही 3 by 2 cos theta equal to y, cos theta आया हमारे पास में 2 by upon 3, तो 3 upon 2y, this is equal to sin theta. Now we know sin square theta plus cos square theta equal to 1, so 4 upon x square plus 9 upon 4y square equal to 1. अगर हम एलसीएम ले 4x स्क्वायर y स्क्वायर, तो यहां पर हम लोगों को मिलेगा 16y स्क्वायर, और यहां हम लोगों को मिलेगा 9x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर y स्क्वायर, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर हम देखें 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन में ये हमको दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद, देखो 10th क्वेश्चन क्या है। दी इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y square upon 3 equal to 1 is decreases at the rate of 0.1 second due to changing in semi minor axis only. The time at which ellipse become an auxiliary circle. तो आपको क्या करना है, देखो समझो क्वेश्चन को, ये लाइक एक ellipse है जिसकी minor axis axis होगी, और sorry major axis x axis, और minor axis होगी आपकी y axis. अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इसकी जो इसेंट्रिसिटी है वो 0.1 पर सेकेंड से डिक्रीज होती है, और आपको एक टाइम फाइंड आउट करना है व्हेन एलिप्स बिकम एन ऑक्सिलरी सर्किल। तो एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्किल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब आप ऑक्सिलरी सर्किल को ड्रॉ करोगे तो ऐसा होगा, और क्वेश्चन में बोला गया कि एलिप्स बिकम एन ऑक्सिलरी सर्किल, तो ये ऑक्सिलरी सर्किल कब होगा, जब ये पॉइंट भी आपका क्या होगा पॉइंट ए बन जाएगा, मतलब आपको क्या करना है बी टेंस टू ए लेट करना है। तो देखो इसेंट्रिसिटी गिवन है आपको अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आपको गिवन है क्वेश्चन में डीई अपॉन डीटी इक्वल टू 0.1, और ये डिक्रीज है तो आप माइनस 0.1 लिख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करो, और आपको फाइंड आउट करना है क्या कि टाइम क्या होगा कि जब ये इलिप्स बिकम एन ऑक्सिलरी सर्किल, मतलब आपको बी टेंस टू ए लेट करना है बाद में। तो देखो इसका करो आप डिफरेंशिएशन ई टी के रेस्पेक्ट में, तो ई का करोगे तो आगे डी ई वाई डी टी इक्वल टू, देखो ए तो इसमें फिक्स है, ए तो क्या आपका फिक्स, तो ए को आप पुट करोगे टू, तो ये तो आ गया बच्चों 4, तो 1 अपॉन रूट का करोगे तो 1 अपॉन 2 रूट एज इट इज 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, 2 पुट करो तो 4 आ गया, इनटू रूट के अंदर वाले पार्ट का किया तो माइनस के 2b अपॉन a स्क्वायर डॉट b का t के रेस्पेक्ट में आ गया dvy। तो ये आप किया बेटा डिफरेंशिएशन, इसमें ध्यान रखिए a आपका 2 है और b बेटा √3 है। अब देखिए इसके बाद कैसे करना है क्वेश्चन को, आपको dvy dt गिवन है माइनस के 0.1, तो इसकी वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो ये आ गया माइनस के 1 बाई 10 इक्वल टू ये 2 से 2 कैंसिल, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 4, तो ये 4 लिख दो उसमें, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू माइनस बी बाय 4 डी बी बाय डी टी। अब आपको क्या करना है, इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो चलो इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करो और 2 एलसीएम आके चला गया न्यूमरेटर में, ठीक है, तो 4 से 2 कैंसिल किया तो ये 2, और 2 से 10 को कैंसिल किया तो आ गया बेटा 5। तो फाइनली आपका देखो क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, माइनस इस रूट को इधर मल्टीप्लाई
तो अंडर रूट 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 5 और इक्वल टू माइनस बी डी वी अपॉन डी टी। अब आपको क्या करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन, तो आप क्या करोगे इसमें वेरिएबल सेपरेशन, तो डीवी वाली टर्म को बी के साथ और डी टी के साथ टी वाली टर्म, तो डी टी को उधर मल्टीप्लाई कर दो रिमेनिंग पार्ट को उधर मल्टीप्लाई, तो माइनस से माइनस कैंसिल किया तो ये आ गया डी टी इक्वल टू 5 बी डीवी अपॉन अंडर रूट 4 माइनस बी स्क्वायर। अब आपको इसका करना है बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो देखें जराओ, तो डी टी का इंटीग्रेशन तो क्या होगा टी इक्वल टू, जब आप 4 माइनस बी स्क्वायर को टी लेट करते हो, 4 माइनस बी स्क्वायर को पी स्क्वायर लेट करोगे, तो देखो माइनस बी डीपी बन जाएगा बेटा पी डीपी में, तो फाइनली क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन, 5 तो कॉन्स्टेंट है बाहर लो, बी डीपी की वैल्यू माइनस के पी डीपी अपॉन पी, पी से पी कैंसिल, तो ये आ गया टी इक्वल टू माइनस 5 पी प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक है, और पी की वैल्यू आप अगेन पुट करो तो फाइनली आ गया टी इक्वल टू माइनस 5 अंडर रूट 4 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। अब देखो इसके बाद क्या करना है, मेन पार्ट इसके बाद है, क्वेश्चन में क्या है कि जब टी आपका जीरो होगा स्टार्टिंग में तो बी की वैल्यू क्या होगी रूट 3, तो जब आप टी जीरो पे बी को रूट 3 पुट करोगे तो आपको इससे मिलेगी बच्चों सी की वैल्यू, तो चलो देख लेते हैं एक बार, बी को टी को जीरो लो और तो ये आ गया सी इक्वल टू 5, सी क्या आ गया बोलो 5। अब आपको क्या करना है कि टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना व्हेन बी टेंड्स टू ए, मतलब बी आपका क्या बन जाना चाहिए ए, तो उस केस में आप बी को पुट करोगे ए के इक्वल टू, तो ये आ जाएगा टी इक्वल टू माइनस 5 अंडर रूट 4 माइनस 4 0 प्लस 5, तो इससे क्या आ गया टी इक्वल टू 5, तो जब टाइम आपका क्या होगा 5, उस केस में इट्स एलिप्स बिकम एन ऑक्सिलरी सर्किल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा 4th ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, इस एलिप्स के थीटा पॉइंट पर हमने नॉर्मल खींची है और वो फिर से एलिप्स को 2 थीटा पॉइंट पर मिलती है, तो हम लोगों को कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, ओके, तो थीटा पॉइंट पर हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं, ए यहां पर रूट 14 है, बी यहां पर रूट 5 है, तो ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 14 माइनस 5 9, ओके। अब इस इक्वेशन को हम लोग 2 थीटा पॉइंट से सेटिस्फाई करा सकते हैं, 2 थीटा पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में क्या होंगे, ए रूट 14 ए कॉस 2 थीटा कॉमा रूट 5 साइन 2 थीटा, इस पॉइंट से हम इसको सेटिस्फाई कराएंगे, तो देखिए सुन, यहां पर मैं एक्स को लिखूंगा रूट 14 कॉस 2 थीटा, तो रूट 14 इंटू रूट 14 इज 14 कॉस 2 थीटा, और ये जो सेक थीटा इसको नीचे ले जाके लिख देते हैं कॉस थीटा माइनस वाई को लिखेंगे रूट 5 साइन 2 थीटा, तो ये जाएगा 5 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा को नीचे ले जाके लिख देंगे इसमें हम लोग साइन थीटा इक्वल्स टू व्हाट 9। अब देखिए एक इजी सी इक्वेशन हमारे पास बनने वाली है, इसको हम लिख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसिल होगा, इसको हम लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो उसके बाद ये देखिए इक्वेशन पूरी तरह से कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको सॉल्व करके हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और उससे इजीली स्टूडेंट आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा, फर्स्ट मिलेगा, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू आपको माइनस 2/3 मिलेगी, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 12 देखें, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी नॉर्मल टू द एलिप्स पार्ट, देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको एक एलिप्स की इक्वेशन गिवन है जिसमें एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है और वाई एक्सिस माइनर एक्सिस, इस टाइप से लेट एलिप्स है, तो इस एलिप्स के एनी पॉइंट पी लेट इसको लेट करो ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा, तो आएगा 4 कॉस थीटा कोमा 2 साइन थीटा, इस पे आप क्या करोगे नॉर्मल ड्रॉ करना है इसे, तो नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद क्या बोला गया है कि इस नॉर्मल की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है लेट ओ एन, इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो सकती है, तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपने नॉर्मल की इक्वेशन को फाइंड आउट किया और 0.0 से डिस्टेंस का फॉर्मूला उसमें पॉइंट पुट करो का मॉड अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
तो चलो सबसे पहले आप लिखते हैं 0.4 cos, 2 sin थीटा पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखो इक्वेशन नॉर्मल क्या होगी, a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस v स्क्वायर y अपॉन y1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर आपको गिवन है, तो देखो ये आ गया 16 x अपॉन x1 इज 4 cos थीटा माइनस v स्क्वायर इज 4 y अपॉन 2 sin थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्क्वायर। तो जब इसको कैंसिल किया तो ये 8 होगा, सॉरी 4, और ये कैंसिल करोगे तो आ गया 2। तो फाइनली आपको मिली इक्वेशन नॉर्मल इज 4 sec थीटा इनटू x, a sec थीटा इनटू x माइनस b cosec थीटा y इक्वल टू 12। आप ज्यादा से ज्यादा 2 और कैंसिल कर सकते हो। तो चलो देखो अब इसके बाद आपको इस नॉर्मल की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ओरिजिन से। तो देखो डिस्टेंस क्या होगी इस केस में, ओ एन इक्वल टू पहले 0 0 पुट किया तो क्या आ गया 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आ गया बोलो 16 sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको आपको देखना है कि दिस पार्ट की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो 4 कॉमन आके तो क्या रहेगा न्यूमरेटर में 6, तो ओएन क्या होगा 6 अपॉन अंडर रूट, ये क्या बोलो 4 sec स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 plus tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 तो कॉमन, और cosec स्क्वायर थीटा का मीनिंग 1 plus cot स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करो तो 6 अपॉन अंडर रूट, देखो 4 और 1 तो क्या होगा 5 प्लस ब्रैकेट में आ गया 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब आप इधर देखें 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की रेंज कैसे निकाल सकते हैं, आप चाहो तो इसको a माइनस b के स्क्वायर से भी कर सकते हो या 4 tan स्क्वायर cot स्क्वायर में am greater than gm को यूज कर सकते हो। तो जब आप इन दोनों में am greater than gm यूज करोगे तो देन 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलेगी आपको greater than equal to 4। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जब आप 4 लोगे तो इस रूट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3, और 6 अपॉन मिनिमम इज मैक्सिमम, मतलब इससे आपको क्या पता चला कि ON जो डिस्टेंस है वो क्या होगी 2 और 2 से लेस। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो ओरिजिन है उसकी नॉर्मल से डिस्टेंस क्या हो सकती है, तो इसकी वैल्यू होगी 2 और 2 से लेस। क्वेश्चन मोर देन का है तो 1/2 भी आंसर हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी आंसर हो सकता है। तो इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए सर, इस एलिप्स पर पॉइंट P पर हम लोगों ने एक टेंजेंट खींची है, ट्रायंगल POM जो है वो मैक्सिमम एरिया का होना चाहिए, O इज सेंटर, N जो है वो O से P पर खींची गई टेंजेंट पे डाला गया परपेंडिकुलर का फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस तरह से है कुछ बात कि ये हमारा एलिप्स है, यहां पे कहीं P पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, ये P पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट, ये ओरिजन, ओरिजन से हमने इस P पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये इसका फीट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये जो ट्रायंगल OPN है इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है और तब हम लोगों को P पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो सर इसको सपोज कर लेते हैं A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। ठीक है, ये हम लोगों ने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सपोज किया। अब इस पॉइंट P पर ये जो टेंजेंट खींची गई है हम उसकी इक्वेशन को लिख देंगे, तो वो इक्वेशन होगी स्टूडेंट हमारे पास में x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल्स टू 1। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इस ये जो हमारे पास में लाइन आ रही है टेंजेंट आ रही है ओरिजिन से, अगर मैं इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ओरिजिन से अगर मैं इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर को निकालने का फॉर्मूला भी होता है और मेथड भी होता है, दोनों में से आप किसी भी तरीके से जाकर के एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं जो हमें थीटा के टर्म्स में मिलेंगे। जब हम लोगों को पी एन दोनों के कोऑर्डिनेट थीटा के टर्म्स में मिल चुके होंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी पता है, तो देखिए तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अगर पता हो किसी ट्रायंगल के तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, उस एरिया को कैलकुलेट करेंगे वो भी थीटा के टर्म्स में आएगा, और जब उसका एरिया हम लोगों को मिल चुका होगा तो हम कैलकुलस अप्रोच के थ्रू ये पता करेंगे, मान लीजिए जैसे ये एफ थीटा उसका एरिया है
और उसको हमारे वो थीटा की टर्म्स में हमें मिल चुका है। तो कैलकुलस अप्रोच से पता कर लेंगे कि थीटा की कौन सी वैल्यू पर ये जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा, और थीटा की उन वैल्यू को हम लोग इस पी पॉइंट में रखेंगे तो हम लोगों को पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके होंगे। जब ऐसा हम करेंगे तो हम लोगों को स्टूडेंट ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर टू आंसर के रूप में मिलेंगे। ओके, तो कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से देखिएगा। ओके, देन बताते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ द टेंजेंट टू द एलिप्स पार्ट 8.5, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है, इज ए नॉर्मल टू द सर्किल दिस पार्ट। क्या मीनिंग है क्वेश्चन का देखो, लेट एक इलिप्स गिवन है आपको, इसके लेट पॉइंट पी फाइल हो थीटा नो प्रॉब्लम, तो पॉइंट क्या लेट करोगे देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, ये इलिप्स है, तो पॉइंट पी क्या होगा, ए कॉस फाइव कोमा बी साइन फाइव, तो आ गया 4 कॉस फाइव कोमा 2 साइन फाइव, ये पॉइंट है आपका। इस पॉइंट पे आपने ड्रॉ की बच्चों टेंजेंट, लेट ये आपकी टेंजेंट है, फिर क्या बोला गया कि दिस टेंजेंट इज नॉर्मल टू दी सर्किल, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर्किल का नॉर्मल इज ऑलवेज पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ दी सर्किल, मतलब अगर ये सर्किल ऐसे होगा तो ये जो टेंजेंट है इस सर्किल के सेंटर 4.2 से बच्चों पास होगी, तो आपको फाइव की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करना चाहिए, आप पॉइंट पी पे क्या करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, टी इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू जीरो का मीनिंग एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, तो आ जाएगा बच्चों एक्स अपॉन 4 कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन ए साइन थीटा या फाइव कर दो इक्वल टू 1, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है, इट इज पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ दी सर्किल, तो इसको जब आप 4.0 से क्या करोगे पास करोगे, तो ये सिंपल आ गया कॉस 5 प्लस साइन 5 इक्वल टू 1। अब इसके बाद देखो एक ऑप्शन तो क्या है, आप इसको स्क्वायरिंग करके सोल्व कर सकते हो या फिर 1 के साथ कॉस कैंसिल करके भी कर सकते हो, और ये आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 या तो इस पॉइंट पे होगी या दिस पॉइंट पे, ठीक है, तो आप फाई को 0 लो या 2 पाई बाय 2 लो, उस केस में साइन प्लस कॉस की वैल्यू 1 हो सकती है, तो जो फाई है वो आपका क्या होगा बोलो, पाई बाय 2, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर फॉर व्हिच 3 कॉर्ड्स ऑफ दिस एलिप्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट आर बाइसेक्टेड बाय द पैराबोला दिस। इसका मतलब यह है स्टूडेंट, इस एलिप्स की हम लोगों के पास में कॉर्ड है, 3 अलग अलग कॉर्ड्स हैं जिन तीनों का मिडिल पॉइंट इस पैराबोला पर लाई करता है, और वो कॉर्ड्स हमारे पास में इस पॉइंट से पास होती हैं, तो हम लोगों को ये पता करना है कि ए की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है। तो स्टूडेंट इसका जो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है वो होता है 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो ये जो कॉर्ड्स हैं जो कि इसके द्वारा बाइसेक्ट हो रही है, इस पर इस लाई करने वाले पॉइंट के द्वारा बाइसेक्ट हो रही है, तो मैं उस पॉइंट को सपोज कर लूंगा जो कि कॉर्ड का मिडिल पॉइंट है 80 स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है, ये मैं सपोज कर लूंगा। अब कॉर्ड की इक्वेशन को निकालने के लिए स्टूडेंट मैं फॉर्मुला यूज कर लूंगा टी इक्वल टू एस वन, टी मीन्स यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो एक्स स्क्वायर की जगह रख दूंगा एक्स इंटू 80 स्क्वायर कॉमा 2a स्क्वायर, उसके बाद में स्टूडेंट वाई स्क्वायर की जगह दूंगा वाई इंटू 280 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन एज इट इज, एस वन मतलब ये पॉइंट उठाऊंगा इसमें सब्सटीट्यूट करूंगा, तो ए स्क्वायर टी टू दी पावर 4 अपॉन 2a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक। अब देखिए यहां पर एक टी हमारे पास कॉमन है, उसको हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि टी इक्वल टू 0 लेने पर स्टूडेंट हम लोगों को जो लाइन मिलेगी वो हमारे पास डायमीटर ही होगी, तो उसको हमें एक्सेप्ट नहीं करना, क्वेश्चन में क्या रखा है डायमीटर के अलावा बात करनी, तो एक टी इक्वल टू 0 को हम उस वजह से कैंसिल कर देंगे। अब देखिए इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो काफी सारा कैलकुलेशन है, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ भी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, उसके बाद में स्टूडेंट वो जो पॉइंट दे रखा था पीछे लाइएगा सब, ये जो पॉइंट है देखिए ये पॉइंट भी इसी कॉर्ड पर स्थित है, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो 11a - a² / 4 11a - a² / 4 इस पॉइंट से मैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर मैंने x की वैल्यू को रखा 11a, तो ये 11a (a)(t²)/2a² y की जगह रखा मैंने -a² / 4, तो -a² / 4 और 280 / a² equals to t² to the power 4/2 plus 4t² अब एक तो t हमें कैंसिल करना है, और जो a² हमको मिल रहे हैं
वो भी हम लोगों को कैंसिल कर देने हैं yes. और एक टी हमने कैंसिल किया तो 11 अपॉन 2 इंटू टी माइनस ए बाई 2 इंटू टी कैंसिल हो चुका है इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू टी क्यूब प्लस 4 टी ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई किया तो 11 टी माइनस ए इक्वल टू टी क्यूब प्लस 8 प्लस 8 दैट इज टी क्यूब हो गया 8 टी तो ये हो गया टी क्यूब माइनस में 3t प्लस में a इक्वल टू 0। अब देखिए एज पर गिवन इन द क्वेश्चन t की तीन डिस्टिंक्ट वैल्यूज होनी चाहिए। तो देखिए अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट कैलकुलस के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो चुका है। इस इक्वेशन के तीन अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए। तो अगर स्टूडेंट मैं इसको f ऑफ t बोलू विच इज t क्यूब माइनस 3t प्लस a तो डिफरेंशिएट करें तो 3t स्क्वायर माइनस 3 आ रहा है यानी 3 टाइम्स t माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 यानी स्टूडेंट इसका जब ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो वो माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 तक माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 तक इंक्रीज करेगा उसके बाद माइनस 1 से 1 तक डिक्रीज करेगा और 1 के बाद इंक्रीज करेगा। तो देखिए ओबियस सी बात है स्टूडेंट हम लोगों के पास में कि अगर हम लोगों को तीन अलग अलग रूट चाहिए तो ग्राफ कुछ इस तरह का होना चाहिए कि माइनस 1 पर वैल्यू और 1 पर जो वैल्यूज है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो। सो वी विल अप्लाई एफ ऑफ माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 1 less than 0. f of minus 1 is minus 1 plus 3 plus a into 1 minus 3 plus a less than 0. तो ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास में a minus 2 into a plus 2 less than 0. That is a belongs to minus 2 to 2. ये हम लोगों को स्टूडेंट a का इंटरवल मिल चुका है। अब देखिए स्टूडेंट हम लोगों को इस क्वेश्चन में ये पूछा था इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a की ऐसी कितनी इंटीग्रल वैल्यूज है जिस पर कि ये चीज संभव है। तो स्टूडेंट देखिए इसमें हमारे पास में माइनस 1 0 और 1 तीन इंटीजर शामिल है लेकिन a को हम लोग 0 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ कि जो बात हमें बोल रखी थी उसकी वजह से उसे रिजेक्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली a की दो ही वैल्यू पॉसिबल हुई एक 1 और एक माइनस 1 तो आंसर हो गया हमारा 2 1। हां 16 क्वेश्चन क्या है एन एलिप्स हैज इसेंट्रिसिटी 1/2 and one focus at the point P this part, its one directrix is common tangent to the circle this part and the hyperbola this part near to the P. मतलब point P के पास में जो directrix है वो आपको let करनी है ठीक है common tangent. Then if length of lattice rectum is L, then find 2L. तो देखो क्या करना है इस question में आपको एक hyperbola given है ऐसे ठीक है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 1 और ये जो सर्कल है इसका सेंटर 0 0 रेडियस बने तो ये सर्कल भी आपका इस टाइप से ड्रा होगा। तो आप डायग्राम से बात करोगे तो देखो ये इसकी क्या होगी कॉमन टेंजेंट और ये भी क्या होगी इसकी कॉमन टेंजेंट। आप अगर जनरली y इक्वल टू mx प्लस c से कॉमन टेंजेंट को फाइंड करोगे तो उस केस में m की नो वैल्यू मतलब कॉमन टेंजेंट ओनली क्या होगी x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू ये ओनली टू कॉमन टेंजेंट इस केस में पॉसिबल होंगी। अब क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट पी है 1/2, 1 तो देखो ये जो पॉइंट पी है वो कहीं इधर लाई करेगा 1/2, 1 ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या करना है आपको इलिप्स की सेंट्रिसिटी गिवन है 1/2 और आपसे क्या पूछा गया है कि वन फोकस आपको गिवन है 1/2, 1 तो देन आपको इलिप्स की के LR की लेंथ बतानी है। देखो LR की जो लेंथ है वो एक फॉर्मूला तो आप क्या लिखते हो 2d² बट आपको क्वेश्चन में ओनली सेंट्रिसिटी गिवन है इलिप्स का फोकस गिवन है और इलिप्स की आपको डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो देखो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस की टर्म में अपन LR की लेंथ क्या लिख सकते हैं देखो ये फॉर्मूला याद करें ये फॉर्मूला होगा 2e × sz 2e कुछ नहीं है आप इसको a से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो LR का मीनिंग क्या है 2e × फोकस की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। तो फोकस है आपका 1/2, 1 और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 1 क्योंकि आपको पॉइंट को कॉमन टेंजेंट कौन सी है नियर टू दी पॉइंट पी तो कॉमन टेंजेंट आप जिस लोगे तो ये 1/2, 1 है ये x इक्वल टू 1 है तो पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस क्या होगी 1/2 ठीक है। तो जब आप sz को 1/2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल तो LR की लेंथ क्या होगी e की इक्विवेलेंट और e की वैल्यू आपको गिवन है 1/2 तो देन l इक्वल टू आ गया बच्चों 1/2 ये LR की लेंथ क्या l है। तो
तो आपसे 2l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देन 2l इक्वल टू क्या होगा 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट हम लोगों को ऐसा कह रखा है कि एक सर्किल बनाया गया है जो इस एलिप्स को प्रिसाइसली 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी पे कट करता है, जैसा हमें डायग्राम में दिख रहा है। ए बी जो है वो इस सर्किल की डायमीटर है, और ए बी जो है वो हमारे पास में इस सर्किल की मेजर, इस एलिप्स की जो मेजर एक्सिस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है। इसका मतलब एक तरह से ये भी हो गया कि ओसी भी इस सर्किल की एक दूसरी डायमीटर है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास में सर्किल का सेंटर हो गया। अब हम लोगों को स्टूडेंट्स एलिप्स की इसेंट्रिसिटी 4/5 दे रखी है, और इस डायमीटर की लेंथ, सर्किल की डायमीटर की लेंथ इन टर्म्स ऑफ ए इज लैम्डा अपॉन 17 इनटू ई। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट हम लोग किस तरह से मूव करेंगे इसको हम समझते हैं। सबसे पहली बात ये है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है स्टूडेंट। तो यहां से आ गया हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस, इसेंट्रिसिटी थी 4/5, सो इट इज 16/25। सो दिस इज 25 बी स्क्वायर इक्वल टू 9 ए स्क्वायर, दैट इज 3 ए इक्वल टू 5 बी। ये हम लोगों को ए और बी में एक रिलेशन मिल चुका है। अब देखिए स्टूडेंट जो हम लोगों को डायग्राम दिया गया था उसको हम लोग वापस बनाते हैं। कुछ इस तरह का डायग्राम हम लोगों को दिया गया था, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट ये सर्किल का सेंटर है। ये जो पॉइंट है मैंने इसको सपोज किया ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, तो ऑब्वियस ही बात है स्टूडेंट ये हो गया ए कॉस थीटा कॉमा जीरो, और ये हो गया ए कॉमा जीरो। तो ये जो लेंथ है स्टूडेंट ये भी रेडियस है और ये लेंथ भी रेडियस ही है। तो a माइनस ए कॉस थीटा, और ये डिस्टेंस हो गई स्टूडेंट b साइन थीटा। नाउ दिस इज a माइनस ए कॉस थीटा, तो a माइनस ए कॉस थीटा, b की वैल्यू को मैं रख दूंगा स्टूडेंट 3a/5। ठीक है, तो यहां से a हमारे पास में कैंसिल हुआ, ये हो गया 5-5 कॉस थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। 5 कॉमन लिया तो 25, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कॉस थीटा इक्वल टू 9 साइन स्क्वायर थीटा, उसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, तो देखिए 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 30, तो ये हो गया हम लोगों के पास में 34 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 15 कॉस थीटा प्लस 16 इक्वल टू 0। तो 17 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 25 cos थीटा प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर हो रहे हैं सर, या फिर हमको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि cos थीटा की वैल्यू हमको क्या मिलने वाली है, एक तो 1 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और अगर हम पूरे फैक्टर सोचे तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 17 cos स्क्वायर थीटा माइनस 17 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस 80। तो इसके फैक्टर थे हमारे पास में 17 cos थीटा इनटू cos थीटा माइनस 1, और यहां पर आएगा माइनस में 8। तो यहां से स्टूडेंट cos थीटा की दो वैल्यू मिली, एक मैंने पहले लिख दी थी 1 और दूसरी है 8/17। एक बार पिछला पेज लाइए। अब देखिए स्टूडेंट हम लोगों को cos थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, और हम लोगों को यहां पर डायमीटर की लेंथ को निकालना है, ठीक। तो डायमीटर की लेंथ को निकालते हैं वापस से। तो डायमीटर की जो लेंथ थी स्टूडेंट हम लोग देखिए ये रेडियस है a माइनस ए कॉस थीटा। यहां पर अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू को जैसे 1 रख दूं तो ये 0 होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। कॉस थीटा को मैं अगर यहां 8/17 रखता हूं तो ये हो जाएगा सर हम लोगों के पास में 17-8, यानी कि हमारे पास में ये हो गया 17-8 तो 9/17 इंटू ए। ये सर हम लोगों को r की वैल्यू मिली, ठीक है। तो हमसे डायमीटर के बारे में पूछा, तो डायमीटर हो गया 18/17 इनटू ए, तो लैम्डा की वैल्यू 18 होगी, तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर 18 है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद। देखो 18 क्वेश्चन क्या है, सपोज f1 एंड f2 आर फोकाई ऑफ द एलिप्स x²/9 y²/4 1, p इज ए पॉइंट ऑन एलिप्स सच दैट pf1 रेशियो pf2 आपको गिवन है 2:1, then area of triangle PF1 F2। तो देखो क्या करना है क्वेश्चन में, ये क्लिप्स गिवन है आपको, लेट इस पे एक पॉइंट P लेट करो, इसको लेट कर लेते अपन सिंपल x1, y1, ठीक है, और इसकी ये टू फुकाए लेट F1, ये F1 और F2, ठीक है।
तो क्वेश्चन में मेंशन है पॉइंट की F1 और F2 से डिस्टेंस है, उनका रेशियो दे बने आपको, तो ये आपको पता होगा एक इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इक्वल टू a अपॉन e, और सेकंड डायरेक्ट्रिक्स की x इक्वल टू माइनस के a अपॉन e। तो PF1 को क्या ले सकते हैं, पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस क्या होगी, इसेंट्रिसिटी इनटू पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से करस्पोंडिंग डिस्टेंस। तो पॉइंट की इससे डिस्टेंस को क्या होगा, ये डिस्टेंस आपको करनी है फाइंड आउट। तो ये x1 है, ये a अपॉन e, तो a अपॉन e माइनस x1, तो a अपॉन e माइनस x1, तो इससे PF1 आ गया बच्चों कितना, a माइनस e x1। सिमिलरली जब आप p की f1 से डिस्टेंस, और ये f2 करो उसको करस्पोंडिंग फोकस है, सिमिलरली जब आप f1 से फाइंड आउट करोगे p की f1 से, तो इस बार करस्पोंडिंग डायरेक्ट्रिक्स दिस होगी, तो इस केस में क्या होगा, a प्लस e x1। तो ये PF1 और PF2 आपको गिवन है, तो PF1 और PF2 का जो रेशियो है वो आपको गिवन है 2 अपॉन 1। तो देन देखो आप इसमें a आपको पता है, एसेंट्रिसिटी पता है, तो आप इससे इजीली कर सकते हो x1 को कैलकुलेट। x1 को कैलकुलेट करोगे, x1 कॉमा y1 लाइज ऑन द एलिप्स, तो आपको y1 की वैल्यू मिलेगी, मतलब आपको एलिप्स पे पॉइंट पता है, आपको एलिप्स की इक्वेशन गिवन है, फोकाई a, 0 माइनस a, 0 ये भी गिवन होगा। तो देखो एरिया ऑफ पी एफ वन एफ टू क्या होगा, हाफ बेस इज एफ वन एफ टू टू ए, और इसकी हाइट क्या होगी, पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज वाई वन। ठीक है, तो आपके पास a गिवन है, e गिवन है और y1 गिवन है, तो इनकी वैल्यू को जब पुट करोगे तो आपको इसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलिए स्टूडेंट, इसको वीडियो सॉल्यूशन को ओवर करते हैं यहीं पर। ओके देन, थैंक यू। थैंक यू।